हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिल्वर के वीकली व्यू के बारे में। और जैसे कि आप टाइटल रीड कर सकते हो, इन अ प्रीवियस वीडियो आई सेड दैट इफ सिल्वर सस्टेन 13.10 लेवल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट प्रोवाइडेड बाय मी इन अ प्रीवियस वीडियो, देन वी सी अ वेरी गुड रैली। ओके, हमने डिस्कस किया था कि अगर सिल्वर जो है वो 13.10 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और हम जो है उस देखते हैं कि वो जो है वो सस्टेन कर रहा है ऊपर के लेवल को, तो फिर हमें जो सिल्वर के अंदर जो है वो बहुत ही बढ़िया जो रैली है जो वो देखने को मिल सकती है। और ठीक वैसा हुआ कि हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली। तो अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के नेक्स्ट वीक के लिए क्या सपोर्ट बन सकते हैं और क्या उसके टारगेट बन सकते हैं उसके बारे में। तो सिल्वर के लिए जो पहला जो सपोर्ट है अब जो निकल के आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि उसने क्लोजिंग भी बहुत ही बढ़िया दिया है, तो पहला जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है 14.25 होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो सपोर्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एट अ क्लोजिंग बेसिस। इफ सिल्वर is break this support at a closing basis, then we have to consider the next support as a 13.90. अगर ये जो support है वो break होता है तो फिर हमें एक और जो support है वो ध्यान में रखने वाला है, वो है 13.1290 का। लेकिन दोस्तों एक और खास बात बता रहा हूँ, अगर silver जो है, खास ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर silver जो है वो 14.25 के level तक अगर correction करता है तो हम मानेंगे कि ये एक नॉर्मल करेक्शन है। फिर से बता रहा हूं, अगर सिल्वर जो है वो 14.25 का जो लेवल है वहां तक अगर आता है, वो काटता नहीं है, तो वो एक नॉर्मल करेक्शन है। लेकिन अगर सिल्वर ने ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक किया और अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि उसके नीचे की जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्पीड में हो सकती है। ठीक है, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो फिर उसके नीचे आपको फिर फाइनल सपोर्ट जो है वो हमारा 13.20 का वो ध्यान में रखना है। अगर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया, फाइनल सपोर्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए 13.20 का लेवल, अगर ये जो हमारा सपोर्ट है वो सिल्वर ने ब्रेक कर दिया क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो फिर आपको बहुत ही शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, खास ध्यान से सुनना, इफ सिल्वर कैन ब्रेक 13.20 लेवल विच इज अ फाइनल सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक, देन वी सी वेरी शार्प करेक्शन। तो फिर हमें बहुत ही एकदम शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको अलर्ट होना है 14.25 के लेवल के ऊपर, वहां तक आता है तो नॉर्मल करेक्शन, वो ब्रेक होता है तो फिर आपको सीधा ध्यान में रखना 13.20 का लेवल। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत होने को देख सकती है। ठीक है, ये जो है वो मैं अपने, ये जो है वो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कोई आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, वो ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, ये जो है वो मैं अपने चार्ट के एक्सपीरियंस से आपके साथ जो व्यू है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के टारगेट के, तो अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के टारगेट के बारे में। तो सिल्वर के लिए जो पहला जो टारगेट है वो दोस्तों निकल के आ रहा है 15 का लेवल। ठीक है, अब ये जो लेवल है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिल्वर जो है वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है और 15 का जो लेवल है वो अगर सिल्वर जो है वो उसके आसपास गया लेकिन उसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं दिया, खास ध्यान से सुनना दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ कि अगर सिल्वर ने 15 के लेवल के ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दिया, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो फिर आपको नीचे फिर से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर से, इफ सिल्वर कैन नॉट सस्टेन दिस लेवल 15 लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन वी कैन सी वन मोर करेक्शन। ठीक है, अगर ये जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ ऊपर की तरफ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो आपको एक और करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आपको दो जो लेवल है वो खास ध्यान में रखने हैं नेक्स्ट वीक के लिए,
नंबर वन जो हमारा टारगेट है 15 का लेवल, वो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है और उसको सस्टेन नहीं हो पाता है तो वहां से भी हम नीचे एक करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और सपोर्ट में भी आपको ध्यान में रखना है, अगर 14.25 का जो सपोर्ट है वो अगर वहां पर जाता है तो नॉर्मल करेक्शन है, वो ब्रेक होता है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 15 पॉइंट और 60 का लेवल। उसके बाद अगर ये जो लेवल है वो अगर आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो फिर हमें 16 से लेके 16 पॉइंट और 70 के जो लेवल है कि जो फाइनल लेवल आप मान सकते हो या फाइनल हमारा टारगेट जो है वो मान सकते हो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं, सारे जो टारगेट है वो बाद में है, पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो है 15 का लेवल, ठीक है। अगर 15 का लेवल जो है वो अचीव नहीं होता है तो फिर से आपको एक और करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई सिल्वर के लिए। तो कैसा रहा इन्फॉर्मेशन आप मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के कॉमोडिटी और साथ में करेंसी के जो वीकली व्यू है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।